गरमाया मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र की फांसी लगने से मौत। दबरे में पिता संग कई सामाजिक संगठनों ने दिया धरना। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर छाया रोष। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र की फांसी लगने से मौत। मामला एक बार फिर से गरमा गया है। मामले को लेकर छात्र के पिता कई सामाजिक संगठनों संग दबरे पर धरने पर बैठ गए। बताया गया मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र मौत मामले को लेकर पिता संग कई सामाजिक संगठन धरने पर बैठ गए, जिसमें बताया गया 3 दिसंबर 2022 को एमबीबीएस छात्र शैलेंद्र की मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी, जिसको लेकर न्याय की मांग को लेकर स्वर फिर से मुखर हो गए। बताया गया जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मामले में न्याय को लेकर धरना दिया गया। आज किस तरीके का धरना दिया जा रहा है और क्या मुख्य उद्देश्य है इसके? क्या मांग? देखिए, आज का ये धरना है, ये फिरोजाबाद में जो मेडिकल कॉलेज है इसमें एमबीबीएस प्रथम वर्ष के जो छात्र सेलन सिंह, जिनको 3 दिसंबर को फांसी लगाने के लिए मजबूर कर दिया गया ऐसा बताया गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि शैलेंद्र ने फांसी नहीं लगाई। एक तेज तर्रार ब्रिलियंट दिमाग का समझदार व्यक्ति होते हुए वो फांसी नहीं लगा सकता, तो उसकी हत्या के प्रकरण में जो FIR दर्ज की गई उस FIR के आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरी स्थिति यह है कि इसके बाद परिवार के 11 दिसंबर को धरना दिया गया। शायद प्रशासन हमारी बात सुन ले, शासन हमारी बात सुने, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 11 दिसंबर के बाद परिवार के लोग 20 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठ गए, धरना दिया सुभाष तराय पर, जो 27 तारीख तक चला। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा SID गठित की गई और आश्वासन देने के बाद कि इनका ट्रांसफर किया जाएगा, हटाया जाएगा, उस क्रम के बाद धरना 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन मौसम खराब होने के कारण ये धरना पुनः चालू नहीं हो पाया। आज मौसम शुरू हुए, हमने चेतावनी देने के बाद तमाम सामाजिक संगठनों के माध्यम से आज जिला मुख्यालय पर ये हमारा एक सांकेतिक धरना है। इस धरने के बाद हम भूख हड़ताल भी शुरू करेंगे, कल साइकिल से लखनऊ के लिए भी जाएंगे और इसके बाद 27 जनवरी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा को हम घेरने का काम करेंगे। ये कमजोरी हमारी न समझी जाए कि हम आपको सत्ता तक पहुंचा सकते हैं, तो हम उतारने का काम भी करेंगे और हम हर हालत में शैलेंद्र को न्याय दिलाकर रहेंगे। धन्यवाद।